तात्या, गलती से भी इस बिस्तर पर मत बैठना। चादर गंदी हो गई ना तो कोहराम मचा देंगी तुम्हारी सुहासिनी आजी। आई, उन्हें ये रंग तो पसंद आएगा ना? पहले वाली सुहासिनी को तो सब पसंद था, लेकिन अब वाली को क्या पसंद है क्या नहीं कोई नहीं जानता। आप दोनों उनसे इतना डरते क्यों हो? मुझे याद है अज्जी बहुत पहले आई थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी, और शंकर काका को तो। कान खोलकर सुन ले तात्या, सुहासिनी के सामने शंकर का नाम भी नहीं लेना, याद रहेगा ना तुझे? अब तक तो आ जाना चाहिए था ना उन्हें। लगता है आ गए। भाईजा, भगवत गीता और भगवान की मूर्ति कहीं और रख देना। हाँ, मैं जरा स्वागत के लिए जाती हूँ आगे। जी, आप मेरे लिए मिठाई लाई है ना? मुझे आपके हाथ के बने मोदक का स्वाद याद है। तुम विद्यालय जाते होगे ना, पढ़ाई नहीं करनी? हाँ, जाओ पढ़ाई करो। कैसी हो वहनी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आइए। कुछ बताना था। गांव में सुबह सुबह एक अमीर औरत आई है अप्पा पाटिल के साथ में। लगता है ये वही आत्या है जिसकी सैकड़ों एकड़ जमीन है। वही आत्या ना जिसका बेटा। वही होगी बेचारी, उसके लड़के की आयु 17 साल रही होगी। हरिओम। अहो, रखो। आज तो बड़ी प्रसन्नता छलक रही है तुम्हारे चेहरे से। उस दिन तो बड़ी चिंतित नजर आ रही थी विष्णु के विवाह में। वो केशव को लेकर बहुत चिंता हो रही थी, मन घबरा रहा था। कई दिन हो गए मैं भी सोच रहा हूं उसके बारे में। बहुत दिन हुए उससे मिले, लेकिन शीघ्र ही जाऊंगा उससे मिलने। हरिओम। केशव अब बिल्कुल ठीक है। तुम्हें कैसे पता? मेरा मन कह रहा है। चिड़िया चोंच भर ले गई, घट्यो ना नदी का नीर, दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। माई, दो चार पूरन पोली और डाल दे। अभी लाई। अल्लाह मालिक।
पहली बार निसंकोच होकर कुछ मांगा है आपने। अपने लिए तो नहीं होगा, फिर किसके लिए है? है कोई। साईं, अप्पा जी के घर गए थे आप? अभी तो नहीं, उनकी आते आई हैं। उनके बारे में नहीं जानते होंगे ना आप? सुशील, गुणवान, धर्म कर्म से संपन्न कन्या के रूप में दूर दूर तक प्रसिद्धि थी सुहासिनी आत्या की। घर की साफ सफाई होती है? होती है ना आत्या भाई, मैं खुद पूरे घर को 2 बार साफ कर चुकी हूँ। अपने गुणों के कारण एक बहुत बड़े घर में बिना दहेज के ब्याही गई थी वो। एक संतान भी हुई, शंकर, लेकिन फिर भाग्य का चक्र बदला। अचानक उनके पति की मृत्यु हो गई, लेकिन वो टूटी नहीं, बिखरी नहीं। हौसला था उनमें, एक पर्वत की तरह अडिग होकर अपने पूरे परिवार को एक रखा, अकेले सारे दायित्वों को निभाती रही। बचपन से चील जैसी आंखें हैं इसकी। गलती हो गई आत्या भाई, आगे से ऐसा नहीं होगा। घर के काम पर ध्यान तभी लगेगा जब ध्यान लगाने से फुर्सत मिलेगी। मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। फिर अचानक ना जाने उनके पुत्र को कौन सी बीमारी लग गई, जो एक बार बिस्तर में पड़ा कभी उठ ही नहीं पाया। हकीम, वैद्य, सबने यही कहा, अब तो ईश्वर ही इसको बचा सकते हैं। फिर ऐसा कोई मंदिर नहीं, दरगाह नहीं, कोई ऐसी चौखट नहीं जहां उन्होंने सर ना झुकाया हो। एक साधु ने कहा, इसे चारों धाम की यात्रा कराओ। सब कहने लगे, एक अकेली औरत अपने बीमार बेटे को लेकर कैसे जाएगी? मैं अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती हूं, कुछ भी। उसके सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? मेरा भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। मेरी प्रार्थना, मेरी मन्नत तो जरूर मानेगा ना? साधु महात्मा, जिसने जो जो कहा उन्होंने सब किया। दान, धर्म, हवन, 100 ब्राह्मणों का भोजन, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। होने को कौन टाल सकता है? 17 साल का था शंकर, पिछले साल ही चल बसा। मां की कोख सूनी हो गई। सुना है उस दिन के बाद सुहासिनी आत्या बिल्कुल बदल गई। पूरे 12 माह के बाद
उस घर से पहली बार निकली है सुहासिनी आत्या। शायद आप उनके मन का बोझ हल्का कर पाए, उन्हें तसल्ली दे पाए। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, हमें सिर्फ वही प्राप्त होता है जिसे पाने के लिए हम तत्पर रहते हैं, लालायित रहते हैं। मैं कुछ समझी नहीं साईं। अभी समय नहीं आया है। आजकल आपकी झोली मिठाइयों से भरी रहती है साईं। हाँ, किसी को भूख कुछ ज्यादा ही लगती है। इसकी सारी मिठाई और नमकीन कल ही तो चुराए थे हमने, फिर आज इसके पास और मिठाई कहाँ से आ गई? और पूरन पोली भी? फिर से खेलोगे हमारे साथ? क्या डर गए? तुम लोगों के साथ मुझे नहीं खेलना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोगों से डरता हूँ। मेरा दोस्त है मेरे साथ खेलने के लिए। तेरा दोस्त यहाँ? यहाँ का नहीं है, शिरडी का है मेरा दोस्त। वो मुझसे मिलने हर दिन आता है शिरडी से। झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे मित्र साय हर रोज मुझसे मिलने विद्यालय के पीछे वाले जंगल में आते हैं। आत्या के साथ कैसे पेश आए मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। आत्या को पास तक नहीं आने दिया और आई के पैर तक नहीं छुए आत्या ने। जैसे आप रिश्तों को मानती ही ना हो। मुझे तो इस बात का डर है कि 10 दिन बाद क्या होगा। इसे तो लगभग खो ही चुके थे हम। वो तो साईं की कृपा से। साईं? हाँ, वो द्वारका माई में रहता है, बैरागी कहता है अपने आप को, लेकिन है कोई सिद्ध पुरुष, महान आत्मा। ये खंजर तो क्या, अगर मैं देख पा रही हूं तो सिर्फ साईं की कृपा से, वरना मैं तो अंधी हो चुकी थी। और इसके बदले में मेरे भाई के घर से कुछ भेंट चढ़ाई कि नहीं इस साई को? आप नाश्ता कीजिए। लगता है आई ने आत्या को साई के बारे में बता दिया है। कपड़े निकाल दिए हैं, आप स्नान कर लीजिए। ये तो शंकर का है। मेरे सामने मत रोना। ये देख क्या, शंकर की बचपन की निशानी अभी तक संभाल के रखी है मैंने। देखा चबा चबा कर क्या हाल करके रखा है इसने। आए जा बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं रे, इसीलिए उनका बचपन मूल्यवान होता है। तू भी ना अपने तात्या की ऐसी ही कोई प्रिय चीज संभाल कर रखना निशानी के तौर पे। बैजाका, नमस्कार आई। मैं आप सबको निमंत्रण देने आया हूं, कल यमुना आएगी पग फेरे के लिए।
कल दोपहर का भोजन हमारे घर पर हम साथ साथ ही करेंगे। आत्या आप भी आइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। मैं नहीं आऊंगी। आत्या भाई, मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहती ये कहकर कि मुझे कोई जरूरी काम है। जो बात है उसे साफ कह देना ही अच्छा है। मैं किसी पुजारी के घर का खाना नहीं खाऊंगी। तुम्हें अपमानित करने की मेरी कोई मंशा नहीं है, लेकिन मैं उसके घर का खाना नहीं खाऊंगी जिसकी आमदनी का तरीका ही गलत हो। क्या करते हो तुम लोग? धर्म की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाते हो, उन्हें ये झूठा विश्वास दिलाते हो कि भगवान है। वो तुम्हारी जरूर सुनेगा, वो तुम्हारे सारे कष्टों को हर लेगा, दुखों को दूर कर देगा, बस उन्हें प्रसन्न करने के लिए मंदिर में दक्षिणा चढ़ाओ। तुम्हारी कमाई की बुनियाद ही झूठी है। बेहतर होगा कि समय के रहते तुम भी ये बात समझ जाओ। मालसपति जी, आत्या ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं अप्पा जी, आपको उसके लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ उस दुर्घटना के बाद आत्या बहुत बदल गई है, लेकिन इस हद तक बदल गई है ये मैं नहीं जानता था। आत्या मुस्कुराते तक नहीं है। तात्या या कोई भी बच्चा हो, किसी को अपने पास नहीं आने देती हैं। वो आपसे या मुझसे नहीं, भगवान से नाराज हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान ने उनके विश्वास को तोड़ा, छल किया है उनके साथ। अपने बेटे शंकर के मनोत्तर किसी भी संस्कार को करने से मना कर दिया था आत्या ने। उनके चाचा जी ने उनकी 13वीं की थी और वो उसमें भी नहीं बैठी थी। उपाजी के भाइयों ने मुझसे आग्रह किया था कि इस बार बरसी का श्राद्ध कर्म किसी भी हाल में हो जाना चाहिए, इसीलिए तो मैं वहां गया था ताकि मैं उनको ले जाकर श्राद्ध करवा सकूं। पर उनकी हालत देखकर लगता है कि वो मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं है। अब 10 दिन बाद की तिथि है, उनको लेकर तो आया हूं पर पता नहीं इन 10 दिनों में वो श्राद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगी या शंकर को अपने पास जकड़े रखेंगी, उसे मुक्त नहीं करेंगी। भिक्षाम दे। कौन है ये? इसे मैंने सुबह भी देखा था। ये साई है। रुको, ये चावल मैं मेरे खेतों से इस परिवार के लिए लाई हूं, ऐसे बर्बाद मत करो। हम जो खाते हैं वही साई को देते हैं। ये चावल देने में अगर आपको कोई आपत्ति है तो मैं कुछ और दे देती हूं। भिक्षाम देहि। इतनी जल्दी किस बात की बायजा? वो साई सिर्फ 3 बार आवाज लगाता है, उसके बाद लौट जाता है। 2 बार मांग चुका है वो। आप जाने दीजिए ना इसे, साई इंतजार कर रहा है। पर क्यों? दिखने में तो सेहतमंद दिख रहा है।
खुद मेहनत करके कमाता क्यों नहीं, भीख क्यों मांग रहा है? और तुम लोग भिक्षा देकर उसे बढ़ावा दे रहे हो, क्यों? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उससे तुमने कोई सबक नहीं ली क्या? तुम सबसे ज्यादा दान धर्म करती थी मैं, ऐसा कौन सा व्रत है जो मैंने नहीं रखा? दिन रात उपासना करती थी, पर फिर भी इतनी उपासना करने के बाद उस भगवान ने मेरा शंकर मुझसे छीन लेने का फैसला किया। ऐसा होता है भगवान, निर्दयी, क्रूर। और ये इसके जैसे लोग ईश्वर का नाम लेकर धर्म का ठोंग रचकर पैसे बनाते हैं, और वो भगवान चुपचाप देखता रहता है। भिक्षाम देहि। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.